गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12360 डाउन पटना कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि सिर्फ हफ्ते में तीन दिन ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को डिपार्ट होता है फ्रॉम कोलकाता, और उसके ऑल्टरनेटिव डेज में पटना से डिपार्ट हो जाता है। फिलहाल हम लोग दुर्गापुर से कोलकाता तक नॉन स्टॉप जर्नी इस ट्रेन में दिखाने वाले हैं, ठीक है। और पहले वीडियो देखना है, ठीक है, उसके बाद कमेंट करना है। अगर आपको इस ट्रेन का जर्नी पूरा चाहिए तो मैं एंड टू एंड ऑलरेडी मैं इस ट्रेन से कवर कर चुका हूँ कोलकाता से पटना। आज मैं क्यों जर्नी कर रहा हूँ इस ट्रेन में फिर से दुर्गापुर से, आज इस ट्रेन को नए एलएचबी कोचेस के साथ चलाया जा रहा है और ईस्टर्न रेलवे में पहली बार एक ही गरीब रथ है जो कि अभी एलएचबी हो चुका है, तो उसका एजेंट का भाई फिर से आ गया है पहुँच के फिर से दुर्गापुर। देख लीजिए दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, और भयंकर बारिश हो रहा है भाई। अभी मैं देख सकते हैं अम्ब्रेला लेकर खड़ा हूँ बाहर बिकॉज ब्लॉक के लिए, तो थोड़ा बारिश रुक कम हो गया है लेकिन बारिश तो भाई भयंकर तरीके से हो रहा है। मैं अम्ब्रेला कैरी करता हूँ बिकॉज अभी सावन का महीना है तो भाई बारिश तो होते रहेगा। तो फिलहाल टाइम एकदम ही कम है, 2:25 बजा है भाई, 2:35 पे अपना अराइवल हो जाएगा दुर्गापुर में। तो फिलहाल जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जर्नी को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो नया है भाई लोग कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं करना कर लो वीडियो को लाइक, बिकॉज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा, भाई को नहीं मिलेगा सपोर्ट, इससे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, बस वहाँ पे मैं ये सब अपडेट वगैरह देता रहता हूं, यूजर आईडी ऊपर वगैरह कहीं पे दिख रहा होगा। IRF शुभदीप एक ही अकाउंट है, जाइए फॉलो वॉलो कर लीजिए। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो चलिए बातें करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम में आएंगे तो मैं भी बातें करूंगा वहाँ पे। तो चलिए फटाफट एक जर्नी हाइलाइट्स के साथ मिलते हैं, सीधा ट्रेन अराइवल होगा वहाँ पे, तो तब तक लिए 1 2 3 हियर वी गो दुर्गापुर। देख लीजिए हेलो गाइज, दिस इज IRF शुभदीप, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू जर्नी ब्लॉग। फिलहाल मैं दुर्गापुर स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, फिलहाल 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेन आने वाला है, तो फिलहाल ट्रेन के अराइवल देखेंगे। और आपको अगर आप भी बोल रहा हूँ आपको अगर एंड टू एंड जर्नी देखना है इस ट्रेन में, तो फिलहाल एंड टू एंड जर्नी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाए। और ICF वाला कोलकाता से पटना एंड टू एंड मैं ये ट्रेन कवर कर चुका, और कोच नंबर बता दूँ G922 अपर बर्थ मिला है बिकॉज लास्ट मोमेंट में टिकट फिलहाल हम लोग लिए थे तो इसीलिए अपर बर्थ मिला है। सो गाइस देख सकते हैं अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस LHB गरीब रथ ईस्टर्न रेलवे का फर्स्ट LHB गरीब रथ अराइवल हो रहा है अपना हावड़ा सेट का WAP5 लोकोमोटिव 30121। देख लीजिए और ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गरीब रथ एक्सप्रेस का बोर्ड देख लीजिए, और G9 कोच एकदम पहले वाला कोच मिला है और बढ़िया सा होंकर मिला है भाई, भयंकर तरीके से डोर प्लेटिंग दिखाएंगे आप लोगों को। देख लीजिए ये है कोच, अंदर जाने दीजिए भाई, सिर्फ 2 मिनट का होल्ड। तो गाइस मैं ऑलरेडी G9 कोच में आ गया हूँ, सीट नंबर सब दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे, टाइम लैप्स सब बनाएंगे, पहले डिपार्चर देख लीजिए बिकॉज सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, ठीक है। सो गाइस ब्रांड न्यू LHB गरीब रथ अपना निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से दुर्गापुर स्टेशन देख लीजिए डिपार्चर हो रहा है, पहले डिपार्चर दिखा देते हैं उसके बाद अपना सीट पीट वगैरह दिखाएंगे। चलिए देखिए चमचमाता हुआ LHB गरीब रथ और ईस्टर्न रेलवे का पहला है ये। गाइज एकदम धीरे से बात कर रहा हूँ, देख लीजिए G922 सीट
देख लीजिए ये वाला अपर बर्थ मिला है, देख लीजिए फटाफट देख लीजिए। ये है अपना कोच, एकदम धीरे से बात करूँ बिकॉज सब सोया हुआ है, ठीक है। चलिए सो गाइस, आपको ट्रेन के बारे में छोटा सा जानकारी मैं दे देता हूँ। बाहर अंदर में नहीं बात कर सकता बिकॉज बहुत ही सब कोई सो रहा है, तो अंदर बात करूँगा तो सब मुझे आके निकाल देगा कोच से। तो मैं फटाफट से आपको थोड़ा सा ट्रेन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको इस ट्रेन का जर्नी एंड टू एंड चाहिए तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल देख लेना, वहाँ पे 9 घंटे के आसपास ये ट्रेन समय लेता है और 535 किलोमीटर के आसपास ये ट्रेन कवर करता है कोलकाता से पटना, और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलता है, ठीक है। नॉर्मल जैसे इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ वैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। और एलिजिबिलिटी मिला है, मेरा ICF में जर्नी था तो LSB में फिर से जर्नी में कर रहा हूँ। 130 किलोमीटर मैक्सिमम परमिशन स्पीड रहा। देख सकते हैं इधर एक पिलो दिया गया है जैसे गरीब रथ में दिया जाता है, और अपना ब्लैंकेट दिया गया है और 2 बेडशीट दिया गया है। मैं ऑलरेडी उतार चुका हूँ और देख लीजिए ये रहा पैकेटिंग, पैकेटिंग से ही मैं ऑलरेडी ले लिया हूँ, मैंने खोल के लिया हूँ, ठीक है। और इधर मैं अपना बैग रख चुका हूँ, और इधर रीडिंग लाइट। सुबह को जब ट्रेन कोलकाता पहुँच जाएगा वहाँ पर जाके आपको क्या क्या फीचर्स है नया LHB गरीब रथ में वो आप लोगों को दिखाएंगे। पहले सब सो रहा है ना, इसीलिए बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देख लीजिए ये 2 बेडशीट दिया गया है, नॉर्मली है, देख लीजिए ये सभी है। इसमें जो चल रहा है तो आपको पता है भाई, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है भाई, तो एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। अगर आप एक ही बात मैं बोलूंगा, अगर आप ऐसे एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट आप लोग करोगे ना, अगर आप कंट्रोलिंग सही से नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। आप तो लोगों का भरोसा है ना, वो आप खो दोगे, और कुछ नहीं है। 2 महीने 3 महीने क्या बोल रहा हूँ, 2 महीने में 3 बार, एक डिब्रूगढ़ चंडीगढ़, पहला कंचनजंगा और फिर हावड़ा मुंबई में, सबका जर्नी मेरा ऑलरेडी कवर्ड है चैनल पर। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ मेरा नहीं है, वो छोड़ के ऑलरेडी सभी कवर्ड है मेरे चैनल पर। तो फिर से मेरा ट्रिप भी आने वाला है, फिर से ऐसे होगा तो भाई कैसे चलेगा ना। अगर आप वंदे भारत उतर रहे हैं भाई, हाई प्रेस्टिजियस गाड़ी आप रेलवे ट्रैक पे अगर उतर रहे हैं ना, तो ट्रैक का कंट्रोलिंग, लोगों का कंट्रोलिंग सब तो सही होना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ भाई एक और कोई है, ठीक है, उसका भाई 12 घंटा, मेरा 12 घंटा ड्यूटी है, मान के चलिए। मैं सपोज बोल रहा हूँ भाई, नहीं पकड़ना है, जस्ट पकड़ना है, सही नहीं है, अगर 12 घंटा मान के चलिए, ठीक है। जो मेरे साथ वो काम कर रहे हैं उसका भी 12 घंटा हुआ, मेरा भी 12 घंटा, वो अगर रिटायर कर गया तो उसका 12 घंटा भी तो मुझे ही करना पड़ रहा है ना, बिकॉज उसके जगह पे नियोग नहीं कर रहा है नया, तो ये तो सही नहीं है भाई। अगर नियोग कीजिए आप, अब रेल में भाई रिक्रूटमेंट नहीं दे रहा है, रिक्रूटमेंट बढ़ाइए, नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब नया नया गाड़ी लॉन्च कर रहा है भाई, लेकिन रेलवे एम्प्लॉइज कम पड़ रहा है, शॉर्टेज हो रहा है भाई, उसके मामले भाई रेलवे एक्सीडेंट्स बढ़ रहा है भाई। अभी रात में भाई जाने में मुझे ही दिक्कत हो रहा है भाई, मुझे टेंशन हो रहा है भाई, मैं जाऊंगा भाई कहीं ना कहीं हो गया भाई। देख लीजिए कोच डिस्प्ले बोर्ड कितना सुंदर लग रहा है भाई, और देखिए भाई नाइट में कितना सुंदर लग रहा है भाई, देख लीजिए। सो
गाइस आज को गरीब रथ एक्सप्रेस का वॉशरूम दिखाएंगे। वॉशरूम दिखाने से पहले सामने मिरर देख लीजिए, क्लीन चकाचक है। इधर सीसीटीवी कैमरा दिया गया है, इधर इंडिकेटर दिया गया है, सब दिया गया है। और नो स्मोकिंग, डोर ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसे ओपन करके आप घुस सकते हैं अंदर, बिकॉज अपना इकोनॉमी कोच है सो ऐसे दिया गया है। देख लीजिए वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह आ रहा है, सोप होल्डर है देख लीजिए, और सोप नहीं है ठीक है। और नीचे इधर डस्टबिन है, फायर एक्सटिंग्विशर है। और बिकॉज हम G9 कोच एकदम जनरेटर कार के, जनरेटर कार के बाद वाला कोच पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको ऐसे बायो टॉयलेट का ऑप्शन, हैंडीकैप वाला टॉयलेट जिसको बोला जाता है, वो आपको ऑप्शन मिलेगा, वेस्टर्न स्टाइल और इधर इंडियन स्टाइल देख लीजिए। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ बायो टॉयलेट के अंदर, तो इधर देख लीजिए क्लीन चकाचक है, इधर लाइट है, और भाई भयानक हंकिंग जिसको बोला जाता है भाई। सोप होल्डर, सोप होल्डर में सोप आ रहा है भाई। नीचे अपना क्या बोलते हैं, अपना वाटर डिस्पेंसर, पानी नहीं आ रहा है भाई, पहले बता दूँ पानी नहीं आ रहा है। और इधर देख लेते हैं भाई हैंड शावर, हैंड शावर में पानी आ रहा है ठीक है देख लीजिए। और नीचे एक और डस्टबिन दिया गया है, और क्लीन चकाचक वेस्टर्न स्टाइल, और फ्लैश भी कम कर रहा है, और रूम फ्रेशनर भी दिया गया है देख लीजिए, और टॉयलेट फ्रेशनर जिसको बोला जाता है, और इंस्ट्रक्शन वगैरह। और यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। से मेरा कोई दिक्कत है नहीं ठीक है, वंदे भारत से मेरा कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना भी हाई प्रेस्टीजियस होगा गाड़ी होगा, तो मेरे लिए तो, मैंने एक रेंटर होने के नाते तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया बात है, और एक रिलायंस के भी लिए बढ़िया बात है। लेकिन अब जो चला रहे हैं भाई, उसका कंट्रोल तो सही से कीजिए भाई। आज 2 महीने में 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं भाई। वैसे तो भाई फ्रेट वगैरह ये सब तो भाई अलग ही मामले से भाई चल रहा है भाई ठीक है। पैसेंजर ट्रेन 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं 2 महीने में। ऐसे आप करोगे तो भाई कहीं ना कहीं आप रेल का भरोसा जो है, लोगों का भरोसा जो है, आप खो रहे हो भाई। तो ये तो भाई आप लोगों को देखना पड़ेगा भाई। हाई सिक्योरिटी अगर नहीं करोगे भाई, जो 130 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो अब, इन फ्यूचर भाई बुलेट भी उतरेगा भाई, जो भी आप चला रहे हो भाई, स्पीड अपग्रेडेशन हो रहा है भाई, तो वहाँ पे भाई जैसे भी करके भी हो आपको भाई जो कवच सिस्टम बोला जा रहा है भाई, जैसे भी हो भाई, प्रोटेक्शन वगैरह सेफ्टी वगैरह भी हो, आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा। आपको तो सिक्योरिटी वगैरह जो है वो आपको तो लोगों को देना पड़ेगा। ट्रेनों का जो सर्विस है आप सही से नहीं करोगे तो भाई उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आप क्या करोगे भाई, भरोसा जो अभी खो दोगे आप लोगों से। देख सकते हैं हम लोग कोलकाता स्टेशन जो है अराइव हो चुके हैं, देख लीजिए अराइवल हो गया है।
और इकोनॉमिक कोच देख लीजिए, कोच खाली हो गया है एकदम, हमें तो रस हो गया था। और ये देख लीजिए 3:2 का रेशियो है, तो पहली बार आपका भाई इकोनॉमी कोच में ट्रेवल किया है तो भाई इसके लिए लाइक ज़रूर बनना चाहिए भाई, ठीक है। तो देख लीजिए इधर बोतल होल्डर वगैरह दिया गया है और ऐसा कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है, और सामने मिरर एकदम क्लीन, और इधर लगेज रखने के लिए भी जगह दिया गया है, और इधर चार्जिंग सॉकेट काम वगैरह कर रहा है सब, और रीडिंग लाइट हर एक जगह देख लीजिए, इधर इधर और ऊपर, और फोन सॉकेट भी दिया गया है। इस गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रैवल करके तो बहुत बढ़िया लगा भाई। सो गाइस 165 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपका भाई फाइनली पहुंच चुका है इस ट्रेन को लेके, इस गरीब रथ एक्सप्रेस को लेके। इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन कोलकाता स्टेशन रोड KOAA। ट्रेन पर यहाँ के पहुँचने का टाइम था 5:15 और ट्रेन यहाँ पे पहुँचा है 5:40। इसके पंचुअलिटी कितना है तो आपको पता चल ही गया होगा। जर्नी एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और ट्रेन कंडीशन भी बहुत बढ़िया है, ट्रेन की साफ सफाई भी मैंने देखा बहुत बढ़िया है, बहुत दूर तक आया है लेकिन बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। और जैसे कि आपको बोल रहा था ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, अगर आप वो सेफ्टी मेंटेन नहीं करेंगे तो भाई ऐसे ट्रेन देने का कोई मामला बनता ही नहीं है भाई। ये तो आप लोगों के ऊपर है भाई, हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं भाई। और इसके बारे में क्या राय है भाई कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। आज जर्नी को इन्जॉय किए कि नहीं किए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगा आप मेरे साथ कर रहे थे इस ट्रेन के साथ मेरे और मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल, तो वीडियो कर दे लाइक, और चैनल में नए हो तो भाई लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, बाद में ये सब अपडेट वगैरह देता रहे। तो यूजर आईडी ऊपर वगैरह कहीं पर दिख रहा होगा, IRM सुबह दिख जाइए, फॉलो वॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक क्या करूँगा प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नॉट बीस फ्रॉम कोलकाता IRF शुभदीप, एकदम नया पटना कोलकाता गरीब रथ, साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोलकाता।